सलार के आते शाहरुख को हुआ 800 करोड़ का नुकसान, फिल्म की ऑक्यूपेंसी गिरी 80% से भी ज़्यादा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि साल के जाते जाते दो बहुत ही बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई हैं जो कि बॉलीवुड की अब तक की नेक्स्ट लेवल फिल्म बताई जा रही थी। पहली थी सलार और दूसरी थी डंकी। डंकी को ये बताया जा रहा था कि सलार को ये नीचे दबा देगी और काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी क्योंकि इसके अंदर शाहरुख खान थे, लेकिन हमको अब देखने को उल्टा ही मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता दूँ तो पैन इंडिया एक्टर प्रवास की हाल ही में रिलीज हुई सलार, जो कि दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में धुआंधार कमाई करके दिखा दिया है कि कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती जब तक वो रिलीज ना हो जाए। और जब थिएटर के अंदर हमको अब देखने को ये मिल रहा है कि सलार जो है वो काफी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, लेकिन जो डंकी है उसकी जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ही ज्यादा नीचे गिरती हुई हमको दिखाई दे रही है। फिल्म की जो कलेक्शन है वो भी काफी नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर प्रभास की सलार की बात करें तो ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस में बल्कि दुनिया भर के सिनेमाघरों के अंदर सलार ने कमाई के एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। सलार 22 दिसंबर को थिएटर के अंदर रिलीज हुई थी और अब ये जो फिल्म है वो 5 दिन हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए। फिलहाल अगर बात करें इस फिल्म के 4 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का तो इसका जो आंकड़ा है वो 450 करोड़ से भी ज्यादा पार कर लिया है। वहीं बता दूं तो पहले दिन पे इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था। इसके सामने शाहरुख खान की फिल्म कहीं पे भी नहीं टिक के दिखा रही है। वहीं अगर ट्रेड एक्सपर्ट लोगों की बात करें तो पोस्ट करते हुए सलार के 4 दिन का वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है उनके बारे में बताते हुए लिखा कि जो सलार है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो 4 दिनों के अंदर 450 करोड़ का आंकड़ा जो पार की वो आगे और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि न्यू ईयर के दिन पे इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो हमको और भी अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिलने वाला है। बाकी प्रभास को लोग जो है वो जज कर रहे थे उनकी पिछली फिल्में जो कि फ्लॉप गई हैं, उसको लेकर के प्रभास की फिल्मों को ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो बिल्कुल भी फिल्म कलेक्शन नहीं करके दिखाएगी, लेकिन यहाँ पे अब हमको उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जो कि फिल्म है इतना जबरदस्त कमाई करते हुए हमको दिखाई दे रही है। बाकी आपने फिल्में देख ली है तो आपको कौन सी फिल्में ज्यादा अच्छी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं।